नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद रघुनंदन टीवी पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लेटलेट बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आजकल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे खतरनाक बुखार के कारण प्लेटलेट बहुत ही जल्दी कम हो जाती हैं, यानी गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में मरीज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका इलाज तुरंत नहीं किया जाए तो कभी कभी रोगी की हालत गंभीर हो जाती है और मृत्यु तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घटती हुई प्लेटलेट को कैसे रिकवर करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 3 औषधियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, वो औषधि कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहली औषधि का नाम है गिलोय अमृता गुड़ूची, और दोस्तों दूसरी औषधि का नाम है एलोवेरा ग्वारपाटा घृत कुमारी, और दोस्तों तीसरी औषधि का नाम है तुलसी। अब दोस्तों, हम औषधि को बनाने की विधि जान लेते हैं। तो दोस्तों, गिलोय को 3 से 4 इंच लेकर उसका ऊपर का छिलका उठा लें, फिर दोस्तों इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब दोस्तों, एलोवेरा के एक पत्ते को 10 से 15 मिनट पहले काट कर रख लें, फिर दोस्तों उस पत्त का 2 से 3 इंच गूदा ले लें, और दोस्तों फिर तुलसी के 4 से 5 पत्ते ले लें। फिर दोस्तों, इन तीनों औषधियों को लेकर सिलबट्टे पर पीस लें, या फिर सिलबट्टा नहीं हो तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये औषधि सिलबट्टे पर पीस ली है। तो दोस्तों, अब औषधि बनकर तैयार है। तो दोस्तों, 1 गिलास पानी लेकर उसमें इन तीनों औषधियों को घोल लें। उसमें शहद ऐड करना चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं आप। तो दोस्तों, इस औषधि को लेने से आपकी प्लेटलेट एक ही दिन में 10 से 15 हज़ार हो जाती हैं, और दोस्तों 15 से 20 हज़ार। तो दोस्तों, 2 से 3 दिन में आपकी प्लेटलेट रिकवर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस औषधि को 1 दिन में 3 बार लेना है, सुबह, शाम, दोपहर। अब दोस्तों, खाने की बात कर लेते हैं। खाने में आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो दोस्तों, आपको इस औषधि को लेने तक तब तक खाने में दूध और दलिया लेना है, और दोस्तों 2 से 3 दिन तक आपको रोटी यानी चपाती का प्रयोग नहीं करना है खाने में। तो दोस्तों, ऐसा करने से घटती हुई प्लेटलेट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ आपको कुछ परहेज रखना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको चावल नहीं खाना है और खटाई नहीं खानी है, काली उड़द की दाल भी नहीं खानी है, और दोस्तों रिफाइंड ऑयल भी नहीं लेना है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है, इनका आपको परहेज रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। अपने परिवार के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय आयुर्वेद, जय भारत।